सो है गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूँ इस टाइम बिजनौर में और इस टाइम टाइम हो रहा है 11:30। मैं थोड़ा लेट ही निकला हूँ शुएब भाई के घर से, जो कि नगीना है। शुएब भाई ने बहुत अच्छी होस्टिंग की, थैंक यू शुएब भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जाना, ठीक है। और शुएब भाई की अम्मी ने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, तो अम्मी को भी थैंक यू बोलना, शुक्रिया बोलना भाई। और भाई इस टाइम बिजनौर क्रॉस कर रहा हूँ और दिल्ली ऑलमोस्ट 183 दिखा रहा है, जो कि 4 घंटे 24 मिनट का सफ़र है। इस बार मैं एक नए रूट से जा रहा हूँ। दो बार जो मैं आया हूँ वो वाया हाईवे होकर आया हूँ, हापुड़ वगैरह क्रॉस करते हुए। तो इस बार हम नया रूट ले रहे हैं, अब देखते हैं ये रूट कैसा होता है, मेरे लिए नया है। बाकी अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसकी बात करूं, कल जो हम राइड पे गए थे उसकी बात करूं, तो कल हमने राइड पे बहुत ज़्यादा फ़न किया, एंजॉय किया, मज़ा आया, बहुत मज़े लगाए भाई, बहुत अच्छी अच्छी हमने फ़ोटोग्राफी की। अगर आपको फ़ोटोग्राफी देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, मेरे और शुएब भाई का मैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। और जो शुएब भाई का चैनल का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप जाकर चेक कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। बाकी जो अगर हम मैं एक्चुअली, आपको पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी, तो मैं गया था एक्चुअली शुएब भाई के साथ पिलियन बैठ कर, तो मैं देखना चाह रहा था कि लोग पिलियन इतना लंबा लंबा सफ़र करते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो जो मैं बोलूँ तो सफ़र तो अच्छा था, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो रोड ख़राब थे, गड्ढे थे, उनकी वजह से थोड़ा ये कहो कि आप मेरे गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हैं, तो यार पीछे बैठ के ना झटके ज़्यादा लगते हैं। तो भाई जो भी पिलियन बैठ का सफ़र करते हैं इतना लंबा लंबा, उनको भाई हैट्स ऑफ है, अपने बस की तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे सफ़र के लिए ठीक है, बट लॉन्ग ट्रिप में यार बोरियत भी हो जाती है, और अपन है राइडर तो अपने को राइड करने में जो मज़ा आता है वो पिलियंस में नहीं मज़ा आता। बाकी ऋषिकेश का सफ़र बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही मज़ा आया। कल भाई साहब जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मैंने लाइफ में, पूरी लाइफ में इतनी ठंड कभी बर्दाश्त नहीं की भाई साहब। ठंड मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम जब निकले तो मुझे ऐसा लग रहा था 4-5 डिग्री है, लेकिन जब हाईवे पे हमने ठंड का फील लिया, मुझे नहीं लगता वो 4-5 था, वो भाई 1-2 डिग्री सेल्सियस चला गया था, बिल्कुल हाथ जम गए थे, बिल्कुल जम गए थे। इनफैक्ट मुझसे आप ये नहीं हो रहा था कि मैं जिप खोल लूँ, फ़ोन निकाल लूँ, बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का दिल नहीं कर रहा था भाई, पूरा हाथ जम गया था। और मुझे बिल्कुल ठंड से कपकपी हो रही थी बहुत ज़्यादा भाई, कल जो है ना ठंड लगी मुझे, बहुत परेशान हुआ मैं कल। तो नेक्स्ट टाइम यार इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा भाई, कि भाई बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन लेना ठंड में। अगर आप राइड कर रहे हो तो अच्छे ग्लव्स वगैरह होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग बूट्स होने बहुत ज़रूरी है टांगों को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़े, अदरवाइज़ ठंड में राइड करना बेकार है। चलो कुछ सीखने को मिला कल राइड से, अदरवाइज़ समझ नहीं आती कि भाई लोग इतनी दूर दूर जो ठंड में जाते हैं, स्पीति जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, इतने माइनस में राइड करते हैं, हम घर बैठकर एंजॉय करते हैं कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं, हम भी कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो अप्रिशिएशन बनता है भाई, जो भी लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, जाते हैं राइड पर, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करो, लाइक करो, शेयर करो। यार चलो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हेट मत फैलाओ, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा ही नज़ारा है, नॉर्मल रोड्स हैं, बीच बीच में तो छोटे छोटे गांव गुजर रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, तो ये खेत वगैरह है। बाकी आगे देखता हूँ, कुछ नया होगा तो आपको दिखाएंगे, वरना वही पुरानी चीज़ें क्या दिखाकर आपको बोर करें, क्यों। तो फिर मिलते हैं आपको आगे, कहीं अच्छा कुछ दिखता है तो, ठीक है। हाँ फुल करनी है, आराम से डालना, आराम से, पाइप पूरा अंदर नहीं जाता, पता है आपको। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, 83-38 चल रहे रेट यहाँ पे। हाँ पूरे 8 लीटर तेल आए हैं, देखते हैं अब जाते वक्त इसको ज़ीरो कर लूँ क्या ट्रिप को। तेल भरा लिया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब बिंदास जाएंगे बिल्कुल नॉन स्टॉप, मुझे नहीं लगता कहीं रुकने की ज़रूरत है। वैसे स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए रुका तो रुका, वरना चाय वाय पीने के लिए रुका रुका,
नॉन स्टॉप ही जाएंगे आज, क्योंकि मौसम अब थोड़ा ठीक लग रहा है, धूप निकल गई है और इतनी ठंड नहीं लग रही, नॉर्मल है, सही है, मज़ा आ रहा है। ये मौसम सही है, मतलब इस तरह का टेम्परेचर सही है एक्चुअली। इस टाइम हो रहा होगा वही 14-15 हो रहा होगा, इस टाइम पे ठीक है ऐसा मौसम। और अभी थोड़ी देर पहले एक बस वाला निकला, बिल्कुल दबाते हुए निकला और इतनी धूल उड़ाता हुआ गया भाई साहब, कुछ दिखना मुश्किल, बहुत ही गंदी चला रहा, बहुत ही गंदी। वो रोडवेज जो बसेज होती है ना भाई साहब, उनसे बिल्कुल ही बच कर रहो, बहुत ही गंदी चलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी। मतलब वो कुछ देखते ही नहीं, कुछ सोचते ही नहीं कि कौन क्या है, मतलब यार बाइक वालों को तो वैसे ही कीड़ा समझते हैं, जैसे हूँ करके दबाता हुआ पूरा निकल गया, पूरा धुआं धुआं धूल धूल भाई साहब। उस टाइम कैमरा मेरा ऑफ था, कैप्चर नहीं हो पाया, वरना भाई साहब देखने जैसा था वो सीन। बहुत ज़्यादा संभल कर चलाना पड़ता है भाई यूपी में, बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलाना पड़ता है, कोई भी कहीं से भी आता है, किसी का कुछ नहीं पता। फाटक खुला है, निकलो 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 फटाफट निकलो भाई साहब, फाटक बंद हो गया तो आधा घंटे और वेस्ट। ये सारी कठिनाई परेशानियां आती हैं भाई ट्रैवल के टाइम पे, लोगों को लगता है सिर्फ हाईवे दिखा दिया, बाकी तो कुछ है ही नहीं, इजी है एकदम, आराम से स्मूथली पहुंच जाते हैं बंदे। ओहो हो कितना मज़ा है लाइफ में, उन्हें ये नहीं पता कितनी ट्रैफिक, कैसे कैसे लोगों को झेलते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं हाईवे पे, तो बोरिंग चीज़ें दिखाना भी लोगों को पसंद नहीं आता ना, कोई भी देखना नहीं चाहता कि यार परेशानी, कोई भी देखना नहीं चाहता, हर कोई अच्छी चीज़ें देखना पसंद करता है। तो इसलिए हम सारे यूट्यूबर अच्छी चीज़ें सिर्फ दिखाते हैं, अच्छे अच्छे रोड दिखाते हैं, अच्छे अच्छे सीनरीज दिखाते हैं, अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं दिखाता, कोई जो परेशानियां बीच में आती हैं, झगड़े लड़ाई फालतू के लोग, वो कोई नहीं दिखाता। चलो फिर इस ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं आगे मिलते हैं, ठीक है। ये वही बस वाला है भाई, वही बस वाला है, ये देखो यहाँ भी ओवरटेक कर रहा है, बहुत ही गंदी चला रहा है भाई। इसका नंबर 9012 UP21N, कंप्लेन करनी पड़ेगी इसकी, कोई जानता है तो भाई कंप्लेन करो इसकी, बहुत ही गंदी राइड कर रही है। देखो कट, देखो कैसे मार रहा है, धुआं इतना धुआं छोड़ रहा है ये पूछो मत। बोट में लोग जा रहे हैं, दिख रहा है, ये है गंगा सेतु दारा नगर, ये डैम है, सही है, बहुत पुराना डैम है ये। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 1:20 और दिल्ली बचे हैं अभी 86 किलोमीटर। इस टाइम मैं हूँ मेरठ के अंदर, मुझे जाना है 86 किलोमीटर, और इट मीन्स कि मैंने लगभग 110 किलोमीटर क्रॉस कर लिए नॉन स्टॉप, मैंने कहीं नहीं रुका, बस पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था। तो अभी तक का तो सफ़र अच्छा था, रोड थोड़े बम्पी थे, इतने अच्छे रोड नहीं थे, ठीक ठाक थे, बट ठीक है, यहाँ से 86 किलोमीटर और है, और ये टाइम तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 2:41, इट मीन्स कि जाम है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ मेरठ से दिल्ली जाने में 1.5 घंटे लगते हैं, और देखते हैं जैसा भी होता है आपको बताएंगे, बने रहें इसी तरह वीडियो में। मेरठ सिटी भी काफ़ी बड़ी है यार, काफ़ी अच्छी सिटी है, काफ़ी बड़ी है, तो ये काफ़ी इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, और जो नगीने से, जिस शहर से मैं आ रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, नगीना फेमस है वुडन वर्क के लिए।
खैरियत? ये सारा मेरठ का कार मार्केट है, यहाँ सारा गाड़ियों का काम होता है, जो चाहिए सब मिल जाएगा भाई, सब कुछ, पूरी गाड़ी बन जाएगी, नंबर प्लेट छोड़कर, रजिस्ट्रेशन छोड़कर, सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड, इंजन, बॉडी, किट, एवरीथिंग। और ये लेफ्ट हैंड पे बस अड्डा है, ये बस अड्डा है, बस अड्डा है, दिल्ली बस अड्डा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। की ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, पा पा पी पा पू पा। तीन किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है पूरा पैक। और मेरे ख्याल से ये मोदी नगर है, मोदी नगर में ये हाल है अभी। तो फाइनली मैं राजनगर पहुंच गया, राजनगर एक्सटेंशन, नॉन स्टॉप आया हूं, कहीं रुका नहीं भाई। अब आगे का देखना कि यूपी बॉर्डर पे क्या हाल है, मेन यूपी बॉर्डर का सीन है देखना मुझे। खुला है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, अगर बंद होगा और इधर उधर से घुस कर जाना होगा तो भाई सब परेशानी हो जाएगी। मुरादनगर पूरा जाम मिला, मोदी नगर पूरा जाम मिला, फिर भी हमारे भाई ने काटते हुए ट्रैफिक को चीरते हुए निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, बड़ी मुश्किल से भाई साहब, थक गया इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में राइड करके। मैंने सोचा यार क्या रुकना, डायरेक्ट चलते हैं, सीधा देखते हैं क्या सीन बनता है, नॉन स्टॉप चलते हैं। दिल्ली में इंटर हो गए भाई, थैंक गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से दिल्ली में इंटर तो हो गए। सो जिस किसी को भी अगर यूपी से आना है तो भाई आनंद विहार वाले रूट से आ जाओ, क्योंकि आनंद विहार वाला रूट खुला हुआ है, उस तरफ गाजीपुर वाला रूट बंद है, गाजीपुर मंडी जो पड़ता है। फाइनली आज मैं नॉन स्टॉप आया, लगभग 200 किलोमीटर कहीं भी नहीं रुका, बस एक बार पेट्रोल भरने के लिए रुका था, दैट्स इट। और मैंने आज डिसाइड किया था कि वन गो जाएंगे, और वन गो करके दिखाया मैंने। अभी मेरा घर यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर रह गया है, इस टाइम मैं हूँ बारापुला पे। सो अच्छा था सफ़र, बहुत मज़ा आया, आज कुछ नया ट्राई किया मैंने, मैंने देखा कि देखते हैं लिमिट कितनी एक्सटीड हो सकती है, कितने हम कितना लंबा मैं जा सकता हूँ नॉन स्टॉप। तो मज़ा आया भाई, और सोलो राइड का एक अलग मज़ा होता है, दोस्तों के साथ राइड करने का एक अलग मज़ा होता है। सोलो में क्या आप टेंशन फ्री रहते हो, नॉन स्टॉप जाते हो, जैसे दिल करता वैसे रुकते हो, दोस्तों के साथ जब जाते हो तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो अच्छा था, जो भी था मज़ा आया सफ़र का। बाकी यहाँ पे स्पीड कैम लगा हुआ तो सब लोग स्लो हो गए, और जैसे इसकी स्पीड कैम क्रॉस करेंगे उसके बाद सारे गोली बन जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 40 की लिमिट है, 40 है 50 है, ये रहा है स्पीड कैम। आई डोंट नो बाइक का चलान होता है या नहीं, कुछ लोग कहते होता है कुछ लोग कहते नहीं होता है, बट गाड़ियों का तो होता है भाई। 50 लिमिट है, 50। ओके गाइस, सो जुड़े रहें मेरे साथ इसी तरह,
आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे नए नए, और हो सके तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर प्यार बनाए रखो यार, मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।